चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से खबर है जहां महापौर एजाज ढेबर ने नगर निगम का बजट पेश किया। 1475 करोड़ का नगर निगम का बजट आज पेश हुआ है। 90 लाख रुपए घाटे का नगर निगम का ये बजट इस बार देखने को मिला। सभी पार्षदों का अप्रैल से 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। साथ ही सभी वार्ड में विकास के लिए पार्षदों को 10 लाख की राशि की घोषणा भी इस बजट में की गई है। तो बता दें कि गोधन न्याय योजना, ई रक्षा चार्जिंग पॉइंट, अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए भी करोड़ों रुपए के बजट का प्रावधान इस बार देखने को मिला। अधिक जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता कुलेश्वर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, आपसे जानना चाहेंगे, आज काफी देर तक पहले बहस होती रही और कार्यवाही में बाधाएं भी आईं, इसके बाद राज्यपाल खुद पहुंची और फिर नगर निगम का बजट पेश हुआ। इस बार के बजट में घाटे की भी बात कही गई है और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल, इस बार का जो बजट है वो 90 लाख रुपए का घाटा इस बार के बजट में हुआ है। हालांकि अगर हम कुल बात करें तो 1475 करोड़ का ये निगम का बजट आया, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले बजट के अकॉर्डिंग जो 90 लाख रुपए का घाटा इस बजट में है। हालांकि इस बजट में गोधन न्याय योजना, ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट, अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए भी करोड़ों रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। साथ ही आय बढ़ाने, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स निर्माण, सार्वजनिक प्रशासन के लिए करोड़ों का भी प्रावधान किया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें यह कि नाला निर्माण के लिए 50 लाख, तातियाबारा नहर पारा सड़क चौड़ीकरण के लिए 8 करोड़ का प्रावधान किया गया। साथ ही चौराहों के सौंदर्यीकरण और नए मार्ग निर्माण के लिए भी 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हालांकि शहरी जनता को काफी उम्मीद था इस बजट से, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इस बजट में। हालांकि 1475 करोड़ का बजट पेश किया है, लेकिन बहुत उम्मीद थी, उस उम्मीद के अनुरूप जो है कहीं ना कहीं बजट में थोड़ी सी कमी दिखाई दी है। जी बिल्कुल कुलेश्वर, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो 1475 करोड़ का नगर निगम का बजट आज पेश हुआ। महापौर ने ये पेश किया है जिसमें गोधन न्याय योजना, ई रक्षा चार्जिंग पॉइंट, तमाम बातों पर चर्चा हुई और इसके बाद सभी वार्ड में विकास के लिए पार्षदों को 10 लाख की राशि देने की घोषणा भी की गई। तो रायपुर नगर निगम बजट सत्र के सामान्य सभा में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शिरकत की है और सामान्य सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रायपुर नगर निगम का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने नगर निगम से शुरुआत कर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई है। मैं सभी पार्षदों से कहना चाहूंगी कि लोगों की बहुत अपेक्षाएं रहती हैं, उस अपेक्षा के अनुरूप काम करें और लोगों से जुड़ाव बहुत आवश्यक है। और निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र में यही आज के भविष्य के भाग्य विधाता है, देश के भी और देश की जनता के लिए। अगर इनको सही तरीके से निस्वार्थ होकर अगर ये जनमानस में और जनता की सेवा अगर करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो आज देख रही हूँ मैं छत्तीसगढ़ का नक्शा और तमाम जो उपलब्धियाँ अभी आपके सामने मैंने बताया कि किस तरह से ये बूढ़ा तालाब से लेकर और यहाँ पर एक राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर इतना लंबा झंडा और इतना सौंदर्यीकरण इस निगम को किया जा रहा है। स्वच्छता को लेकर सर्वश्रेष्ठ मतलब राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दिया और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम देश में छत्तीसगढ़ का जो नगर निगम सर्वश्रेष्ठ के रूप में जाना जाए, ऐसा मुझे विश्वास है और मेरी बहुत शुभकामना है।